हेलो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी गणित कक्षा छठी की प्रश्नावली 7.3 में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से प्रत्येक में इस डब्बे को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए, यानी कि जहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है इसकी जगह हमें कोई सही संख्या लिखनी है, जिससे कि ये वाली संख्या इसके बराबर हो जाए, ये वाली इसके बराबर या तुल्य हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ऊपर यहाँ पर इस संख्या में है 2, 2/7 जो भिन्न है इसमें अंश है 2, और यहाँ पर जो संख्या है उसमें अंश दे रखे हैं हमें 8। हर हमें मालूम करना है, तो हमें जो दिया हुआ है उसकी तुलना करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अंश है 2, यहाँ पर अंश है 8, तो 2 का कितने गुना है ये? 2 को हम जब 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, तो हमने क्या किया, अंश को 4 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार हम नीचे भी हर को भी 4 से क्या करेंगे, गुणा, तो ये हमारा नीचे का हर आ जाएगा। तो आइए इसको करते हैं, ए पार्ट को करते हैं। 2/7 बराबर है 8/, ये बॉक्स हमें दे रखे हैं, नीचे इसके अंदर हमें संख्या लिखनी है। तो यहाँ से देखिए, 2 को हम किससे गुणा करें कि 8 आ जाए, 4 से। इसको हमने गुणा कर दी 4 से, तो 2 × 4 2 × 8, तो 4 से गुणा करने पर ऊपर ये 8 आया है, तो नीचे वाले को भी हम क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा। तो इसको भी हम 4 से क्या कर देंगे, गुणा, 7 × 4 28, तो इस बॉक्स की जगह आ जाएगा 28। अगला देखो, समझ में आएगा अच्छी तरह से। 5/8 बराबर है 10/, बॉक्स दे रखे हमें ये, तो यहाँ पर 5 को हम किससे गुणा करें कि 10 आए, 2 से। मैंने 5 को गुणा कर दिया 2 से, हमारे पास आ गया 10। इसी प्रकार नीचे वाले को भी उसी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी 2 से ही, 8 × 2 ये हो जाएगा 16। तीसरा पार्ट है, 3/5 बराबर है खालिस्तान बटे 20, यहाँ पर हमें हर दे रखा है, तो 5 को हम किससे गुणा करें कि 20 आए, 4 से। 5 × 4 20, तो ऊपर भी हमें 4 से ही गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12। डी पार्ट है इसका, 45/60 बराबर है 15/खालिस्तान। अब यहाँ पर देखो, ये जो संख्या दे रखी है ये 45 से कम है, तो गुणा करने पर तो नहीं आएगी, भाग करने पर आएगी, क्योंकि संख्या क्या है, कम। अब 45 को हम किससे भाग करें कि 15 आए हमारे पास, तो हमने 45 को भाग कर दिया 3 से, कितना आ गया, 15। तो नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 60 को 3 से भाग करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। ई पार्ट में 18/24 बराबर खालिस्तान बटे 4, तो यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी है, नीचे 4 दिया, ऊपर खालिस्तान है, नीचे में दिया हुआ है, तो 24 को हम किससे भाग करें कि 4 आए, 24 को हमने भाग कर दिया 6 से, तो कितना आएगा, 4। तो ऊपर बैठा रहे को भाग करेंगे हम 6 से, हमारे पास आ जाएगा 3। तो इस प्रकार हम इसके तुल्य भिन्न ढूंढ सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है, अंश 9 है, हर फिर 30 है और अंश 27 है। तो 4 पार्ट दे रखे हैं, हमें 4 भिन्न ज्ञात करनी पड़ेंगे जो 3/5 के तुल्य हो। तो एक एक पार्ट को हम बारी बारी से करेंगे। तो आइए पहले ए पार्ट को देखते हैं, 3/5 इसके तुल्य में भिन्न बतानी है जिसका हर है 20। हर यानी कि नीचे वाला, हर क्या होता है, हमेशा नीचे होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे हमने प्रश्न संख्या 3 में किया था वैसे ही ये भी, 5 को हम किससे गुणा करें कि हमारे पास 20 आए, 4 से। तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को 4 से गुणा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 12, तो भिन्न हो जाएगी 12/20। बी पार्ट के अंदर 3/5 के तुल्य भिन्न बतानी है, यानी उसके बराबर भिन्न जिसका अंश हो 9, तो हमें हर बताना है इसका कितना आएगा। तो यहाँ पर 3 को किससे गुणा करें कि 9 आए, 3, तो 5 को भी हमें गुणा करनी पड़ेगी 3 से, तो आ जाएगा 15, तो भिन्न हो जाएगी 9/15। सी पार्ट है,
3/5 के तुल्य भिन्न जिसका हर 30 हो। अब 5 के को किससे गुणा करें कि 30 आए, क्योंकि संख्या में इस भिन्न के अंदर हर है 5 और यहाँ पर हर दे रखा है 30, तो 5 को गुणा करनी पड़ेगी 6 से, हमारे पास आएगा 30। तो 3 को भी गुणा करनी पड़ेगी ऊपर भी 6 से, अंश आ जाएगा 18। डी पार्ट है 3/5 के तुल्य भिन्न जिसका अंश 27 हर हमें बताना है। तो 3 इस भिन्न का हर दे रख अंश दे रखा है, तो 3 को किससे गुणा करें कि 27 आए, 9 से, तो हमें हर को भी 9 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 × 9 तो हमारा हर आ जाएगा 45 और भिन्न हो जाएगी 27/45। प्रश्न संख्या 5 है, 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है और हर 4 है। तो प्रश्न संख्या 4 की तरह ये भी, तो आइए इसको हल करते हैं। तो आइए पहले ए पार्ट को करते हैं, 36/48 के तुल्य भिन्न में बतानी है जिसका अंश दे रखा है 9, हर हमें इसका बताना है कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए 36 इस भिन्न का हर है, सॉरी 36 इस भिन्न का अंश है, और इस भिन्न का अंश जो तुल्य भिन्न हमें बतानी है उसका अंश दे रखा है हमें 9। तो 36 और 9 में तुलना करेंगे हम कि 36 को किससे हम भाग करें कि हमारे पास 9 आ जाए, 4 से, 36 को हमने 4 से भाग दिया 9 आ जाएगा। तो 48 को भी हमें 4 से भाग देना पड़ेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो 9/12 तुल्य भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार बी है, 36/48 के तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है हमें जिसका हर दे रखे हमें 4, अंश बताना है। तो यहाँ पर हर है 48, यहाँ पर है 4, 48 को किससे भाग करें हम कि 4 आए, 12 से, तो ऊपर 36 को भी हमें 12 से भाग करना पड़ेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो भिन्न हो जाएगी 3/4।